आज हम आपको कुछ ऐसी बातों को बताने वाले हैं जिससे आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। क्या आपको पार्ले जी बिस्कुट याद है? हम बचपन में अक्सर पार्ले जी बिस्कुट का आनंद लेते थे। आज कितने सालों के बाद भी हम इस बिस्कुट का आनंद लेते हैं। इस बिस्कुट का ब्रांड 60 के दशक का है और आज भी ये ब्रांड इंडिया का लोकप्रिय ब्रांड है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस बिस्कुट के पैकेट पर जो लड़की की तस्वीर बनी है, आखिर वो कौन है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये लड़की कौन है और अब कैसे दिखती है। दरअसल पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट पर जिस लड़की की फ़ोटो दिखती है वो सुधा मूर्ति की फ़ोटो है। सुधा मूर्ति जब 4 साल की थी तो उनके पापा ने ये फ़ोटो खींची थी। ये फ़ोटो को पार्ले जी कंपनी ने अपने ब्रांड के बिस्कुट के लिए चुन लिया, जबकि इस समय सुधा मूर्ति लगभग 65 साल की हो चुकी हैं। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 60 सालों से किसी ब्रांड के लिए एक ही फ़ोटो लगी हुई है। आज 60 सालों के बाद भी सुधा मूर्ति की वही बचपन वाली फ़ोटो पार्ले जी की पहचान बनी हुई है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस बच्ची की फ़ोटो को आप पार्ले जी बिस्कुट पर देखते हैं वो कोई ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। ऐसी कोई बच्ची दुनिया में कभी आई ही नहीं। फेसबुक पर दी जा रही जानकारी के अनुसार तस्वीर में आई उस बच्ची का नाम है नीरू देशपांडे, जो कि नागपुर की रहने वाली है। और यही नीरू देशपांडे ने पार्ले जी में मॉडलिंग करके तस्वीर दी थी, जो आज तक पार्ले जी की पहचान बनी हुई है। अब उनकी ये तस्वीर दी गई थी तब वो 4 साल 3 महीने की थी। लेकिन इन उड़ती हुई खबरों को जानकर पार्ले जी के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर का कहना है कि पार्ले जी में दिखाई जाने वाली तस्वीर एक काल्पनिक है, जिसे एवरेस्ट क्रिएटिव नाम की कंपनी ने इसे बनाकर पार्ले जी कंपनी को दी थी, जो वहां के मैनेजमेंट को बहुत ही पसंद आई और उसी के चलते इसे बिस्कुट के रैपरों पर लगा दिया गया। लेकिन इस फोटो की सच्चाई क्या है, वो पार्ले जी कंपनी वाले या फिर नागपुर के रहने वाली नीरू देशपांडे ही बता सकती हैं। लेकिन आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि इतने सालों तक नीरू देशपांडे कहाँ पर छुपी हुई हैं, क्यों अपनी पहचान को दबाकर वीरानगी की जिंदगी जी रही थीं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।